इन चीज़ों को बदलने में, सुधरने में, क्यों क्योंकि धीरे 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 चेंज आ रहा है और चेंज आने में एक दो साल लगता है और तुमको भी पता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांडे ब्लॉग्स में। तो आज छठ पूजा है और हम अभी आरा से, यहाँ जैसे देख रहे हैं हम लोग आरा से अभी निकल गए हैं। हम हैं, सुमित जी हैं और यश जी हैं इधर, और हम बुके उके लिए हैं। इसका मतलब हम अभी थंबनेल देख कर आप लोगों को बहुत चीज़ें पता चल जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर बिहिया के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारे बिहार के लाल टेलीविज़न के सुपरस्टार विशाल आदित्य सिंह का वहाँ पे घर है। तो वहाँ पे उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। बुके उके भी ले लिए हैं उनके लिए हम लोग, तो कोशिश करेंगे उनसे मिल लें। हालाँकि छठ के दिन बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उनसे थोड़ा बातचीत हो पाए। जैसा भी होगा आपको वीडियो में पता चलेगा, वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम लोग विशाल भैया घर पे पहुंच गए हैं। अभी पता कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, अभी घर पे तो नहीं है। तो अभी जैसा भी मिलेंगे आपको बताया जाएगा। बहुत जाम है छठ पूजा के लेके, बहुत बोल रहे हैं लोग कि तैयारी वारी में रहते हैं, शाम को मिलेंगे। और हमारे दोस्त के घर भी छठ पूजा था, तो हम लोग जल्दी आ गए हैं। तो देखते हैं, अगर मिलेंगे तो आपसे भी मिलवाते हैं। अभी उनके भैया से बात कर रहे हैं, सुमित जी। तो अभी हम लोग उनके पास ही जा रहे हैं। उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो बताएं कि वो एड्रेस बताएं, वहीं पे हम लोग पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं गली से, और ढेर सारी बातें करेंगे पिताजी। इन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि मतलब यहाँ पर रहोगे तो नहीं मिलेंगे, आगे जाओ, वहाँ से वहीं पर रहते हैं, छठ पूजा के दिन तैयारी वारी करवाते हैं, तो वहीं से उनसे मिलेंगे। वहीं पर हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। Untold stories they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This matters, is it safe? Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street alive. तो अभी हम बिहिया में ही हैं और यहाँ पे विशाल भैया का काम चल रहा है, जो कि छठ पूजा की सजावट की होती है। एक बार इधर देख लीजिए आप लोग, और वहीं पे विशाल भैया बैठे हैं, तो उनसे जाएंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा छठ पूजा के बारे में बात करेंगे कि हर साल छठ पूजा में वो ज़रूर आते हैं। यहाँ पर हमारे बिहार का महापर्व है, तो यहाँ पर वो ज़रूर आते हैं। तो चलिए उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत काम में व्यस्त हैं, फिर भी बोले हैं कि मतलब बात कर सकते हैं, मतलब फ्री हैं 2-4 मिनट के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो अभी हम विशाल भैया के पास ही बैठे हैं, जो कि एक ना जाना माना चेहरा टेलीविज़न इंडस्ट्री में आज बने हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, और हमारे लोकल के हैं, तो हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है। करीब 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए, एक बार आए भी थे लेकिन उस समय नहीं थे, तो अभी बिजी थे, लेकिन फिर भी हम बोले हैं तो 2 मिनट के लिए टाइम दिए हैं। थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भैया, छठ पूजा में आप जरूर आते हैं, ऐसा क्या कारण है कि छठ ही पूजा में आते हैं? क्योंकि हमारा महापर्व है ना बाबू, और बचपन से बिहार यूपी का महापर्व है ये, और बचपन से छठ पूजा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी था फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक कंपटीशन होता था डेकोरेशन का, साफ सफाई का, तो वो बहुत 10-15 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, सो उसी की वजह से, और वो करता हूँ तो मज़ा आता है। अपने लोग मिल जाते हैं एक साथ में, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, जितने भी छोटे हैं मेरे जूनियर लोग हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, वो लोग ऑलमोस्ट लोग साल में एक बार आते ही आते हैं सब लोग अपने घर पे। तो मैं उस टाइम पे इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि सबसे मिल लूँगा, और अपना जो शौक़ है, जो अपना काम है, मतलब छठ पूजा को लेकर, वो मैं कर लूँगा, इसकी वजह से आता हूँ।
और एक और सवाल था मेरे मन में कि पहले जो आप 10 साल से काम कर रहे हैं और बहुत जाना माना बहुत समय से भैया लोग हम फॉलो करते हैं, अब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सामने बैठे हैं इसीलिए तो थोड़ा मैनेज करना है, तो भैया से पूछेंगे कि पहले की मानसिकता लोगों के प्रति कि लोग ये सब नहीं करने देना चाहिए, जैसे कि हमारे परिवार के लोग हैं ऐसा, हम वीडियो बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मत बनाओ कुछ होगा नहीं, करीब हम पिछले 5-6 महीना से वीडियो बना रहे हैं लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि लोग की मानसिकता कुछ बदले? क्योंकि अभी क्या है कि बिहार में ये सारी चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है उतना, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं है और लोगों को अब तक पता नहीं है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से कितनी कुछ चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे अभी भी लोग सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के चक्कर में ही लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से है, थोड़ा टाइम लगेगा और इन चीज़ों को बदलने में सुधरने में, क्योंकि धीरे 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 चेंज आ रहा है और चेंज आने में 1-2 साल लगता है और तुमको भी पता है। सो और फैमिली वाले ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि बच्चा अच्छा काम करे, पैसा कमाए थोड़ा बहुत, अपने आप पे अपने पैर पे खड़ा हो जाए, सो इसकी वजह से फैमिली वाले बोलते हैं यार, और कोई बात है नहीं, क्योंकि वो लोग भी आपका भला ही चाहते हैं। लेकिन क्या है कि वही है कि क्रिकेट टीम, इंडिया के क्रिकेट टीम को पता ही होगा कि एक टाइम था कि लोग बोलते थे यार वहाँ गई तो हारेगी ही हारेगी, यहाँ गई तो हारेगी ही हारेगी, लेकिन समय बदला, खेल बदला, लोग बदले, अब देखो कैसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सेम विद द लाइफ, सेम विथ एवरीथिंग यार, यहाँ पे भी कि जब चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, थोड़ी अच्छी होंगी, जब एक्सपोजर मिलेगा तो सब लोग बोलेंगे कि यहाँ कर लो, जब एक्सपोजर नहीं मिलता है तो कोई नहीं कहता है कि मत करो, कोई नहीं कहता है कि करो, सिंपल सी बात है भाई। और घर वालों को मनाना और उनके खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके इच्छा के विरुद्ध जाके कोई भी काम करने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही होती है सबको, वही है बात, और कोई बात नहीं है। और अभी रिसेंट में भैया का रिसेंट जो शो किए हैं खतरों का खिलाड़ी, उसमें हम लोग देखे कि बहुत टॉप 3 में पहुँचे थे, मतलब कुछ पानी की वजह से भैया बहुत हम लोग को दुख हुआ कि मतलब एक स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाया, लास्ट में फाइनल तो नहीं हो पाया, अर्जुन बिजलानी भाई जीत गए, तो खतरों के खिलाड़ी का बेस्ट मूवमेंट एक तरह से पूछा जाए, क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में? वो पूरा शो ही मेरे लिए बेस्ट मूवमेंट रहा है यार, बहुत बढ़िया शो रहा है, बहुत इन्जॉय किया है। दोस्त भी आपके बने उसमें? हाँ दोस्त यार भी बने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि मैंने शो इन्जॉय किया कि नहीं, मैंने शो बहुत इन्जॉय किया यार, बहुत अलग डिफरेंट शो है, बहुत मज़ा आया, एक तो बाहर जाके शूट करना, ऊपर से इतना थ्रिल और इतना ऐसा शूट करना, मतलब ग्रैंडियर इतना बड़ा शो उसको करने का मतलब मौका ही मिलना एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं, जिसको भी मौका मिलता है और मुझे मिला तो मैं ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को, और क्या ही बोलूँगा, क्योंकि पूरा शो ही यादगार रहा है मेरे लिए, ऐसा कोई एक मोमेंट रहा नहीं है कि जिसके लिए मैं बोलूँ कि स्पेशली कि वो यादगार रहा है, ऐसा नहीं है। तो अभी छठ पूजा है, बिहार का महापर्व है, और अभी इसके बाद भैया जब मुंबई जाएंगे तो किस शो में हम लोग आप लोग को आपको देखेंगे? उसका तो बता नहीं सकता अभी कि किस शो में देखोगे, कहाँ देखोगे, लेकिन जल्द बिल्कुल जल्द देखने को मिलेगा। और कुछ हमारे ऑडियंस के लिए, कुछ ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम, पता है बिजी काम चल रहा है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहिएगा कि थोड़ा सा हमारे चैनल पे देखिए भाई, इनका चैनल देखिए, लड़का नया है, थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिए, व्यूअर दीजिए इसको, देखिएगा अगर आप लोग तो सपोर्ट मिलेगा इसको, इसे घर से सपोर्ट मिलेगा, और क्या बोलूँगा मैं, बस यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच एवरीवन इतना प्यार देने के लिए, इतना मतलब ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज उन्हीं के लिए कि थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझको, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा काम करूं ताकि आप लोग का प्यार और मिले मुझको, थैंक यू। तो अभी विशाल आदित्य सिंह से मिले, जिनका अभी लोकल गोल्डी भैया से फेमस है, और बहुत डाउन टू अर्थ हम लोग जब मिले तो ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। और वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी के पास शेयर कीजिए, और इस बिहारी के लड़के को इतना अच्छा काम करें, इनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा हर जगह, हमको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इनको भी। चलिए धन्यवाद।